8 नवंबर की शाम भारतीय सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसकी वजह से पूरे देश ने ब्लैक मनी के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। एक अनुमान के मुताबिक डीमोनेटाइजेशन की वजह से कम 4 लाख करोड़ जितना ब्लैक मनी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। आज देश का गरीब ईमानदार आदमी खुश है तो काला धन जमा करने वाले अमीरों के यहां मातम फैला हुआ है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि विदेशों में छुपे हुए ब्लैक मनी का क्या। बैंक ऑफ इटली के सीनियर इकोनॉमिस्ट के हिसाब से विदेशी बैंकों में भारत से निकाला हुआ करीब करीब $181 बिलियन यानी कि अंदाजन 10 लाख करोड़ रुपए छुपाया हुआ है। अगर ये सारा पैसा वापस आ जाए तो वाकई में हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे जरूरी प्रोजेक्ट्स, सड़कें, बिजली, पुल, रेल, डैम्स वक्त से पहले पूरे की जा सकते हैं। भारत में हर साल सूखे, कर्ज या फसल के नष्ट होने की वजह से 4,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। अगर विदेशों में पड़ा काला धन वापस आ जाए, एक भी किसान को अपनी जान नहीं देनी पड़ेगी। पर क्या हमारे देश में ऐसा हो पाना मुमकिन है? एनकाउंटर? जल्दी निकल वहाँ से, वक्त बहुत कम है। बट आपके लोगों का एनकाउंटर कौन करेगा? पता नहीं, सिस्टम के बाहर का है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो निकल। उठ जा, टाइम फॉर एक्शन। ये बिल्डिंग नहीं, किला है। गार्ड देखे कितने? टाइम पे पहुंच जाना।
मैं दो वर्ड्स बोलूंगा, बाकी की कहानी तुम सुनाओगे। विकी चड्डा। इंडिया से ब्लैक मनी बाहर ले जाने वाले बड़े लोगों का सबसे बड़ा दलाल, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगे उसे, क्योंकि आज ही विकी चड्डा यहां से मलेशिया भाग गया। बाला, विकी चड्डा तो मलेशिया भाग गया। चलो गन निकालो। ए, ए, लेकिन मैंने बता तो दिया। बाला दो गोली मार। ए, 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 ए। मुझे मतलब पहली गोली यहाँ टांग पर है? कहीं पर भी। अरे हाँ, फेमरल आर्टरी को अवॉइड करना, नहीं तो इतना खून बहेगा कि रस्ते में मर जाऊंगा। क्या बोल रहा है? दूसरी गोली यहाँ। क्या? लिवर के साइड में, एग्जैक्टली यहीं मारना। चल। ए, पागल हो गया क्या तू? पागल मैं नहीं हूँ, सिस्टम है। चलो यहाँ ताइवान आया हूँ, फिर भी एनकाउंटर जेन्युइन है, ये प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन एनकाउंटर क्यों करना है भाई? वाला रेडी? तू कार्डबोर्ड कटआउट कहीं है करण? अरे डॉट्स नहीं लगे जिसपे? अरे यार तू इमेजिन कर लेना। अरे क्यों मरवा रहा है खुद को? किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि गोली सीधा वहीं लगे और तू बच जाए। बाला शूट शूट। कहा था ना ऐसा मत करो। खुश मत हो, तेरा भी नंबर आएगा। अरे मैं क्यों? मैं अरे मैंने क्या यार, क्या बोल रहा है यार? क्या बोल रहा है? बाला लिवर यार, सचमुच क्या हो रहा है ये सब? अब जाके कौन यकीन करेगा कि तूने बाला के हाथ से पिस्टल लेकर मुझे गोली मारी है। गुड बाय रिजा। बाला उसके हाथ में अपनी बंदूक थमा दे। अरे बता तो दिया था उसने, फिर मारा क्यों उसको? जिंदा रहे कि कौन सा स्वच्छ भारत का झंडा उठाने वाला था ये। क्या तुम्हारे माँ बाप को ये पता है कि उनका बेटा जो कभी एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था अब ऐसी हरकतें करता है? सर वो जानते हैं कि हमारी जिंदगी में खतरा तो रहता ही है। अच्छा, पर क्या वो ये जानते हैं कि उनका बेटा अपने आप पर गोली चलवा सकता है और सिर्फ इसलिए कि कोर्ट में एनकाउंटर प्रूव ना हो? आई मीन यू हैव बिकम अ ट्रिगर हैप्पी मैन करण। जेन्युइनली वैसा ही हुआ था। मेरे यहाँ कैपिटल सी लिखा हुआ है। तुम्हें कमांडो ही रहने देना चाहिए था, स्पेशल सेल में लाके गलती की। सर कमांडो हूं और कमांडो ही रहूंगा, यूनिफॉर्म बदलने से ड्यूटी नहीं बदल जाती। ओके, तो ऑफिस कब आ रहे हो? वेल, रेजा की इंफॉर्मेशन काम आ गई। दो साल से चल रहा हमारा ये मिशन फाइनली पूरा हुआ। कल मलेशिया में विक्की चड्डा पकड़ा गया। शिकार जाल में है तो शिकारी को ऑफिस क्यों बुलाया गया? क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है। लोग कहते हैं तीनों, और ये वो है जो अभी पकड़ा गया। विक्की चड्ढा अपना चेहरा बदलता रहता है, और अभी जो उसका चेहरा है वो भी उसका असली चेहरा है या नहीं हमें पता नहीं। एंड दैट मेक्स हिम मोर डेंजरस। वो इंडिया के कई लोगों का बहुत सारा पैसा हैंडल करता है, ऐसे लोग जो काफी पावरफुल हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।
एंड द वर्स्ट थिंग इज हमें नहीं पता है कि वो कौन है। विकी चड्ढा इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरा का पूरा नेटवर्क वही कंट्रोल करता है। सर पर कहानी में ट्विस्ट क्या है, आपने बताया नहीं? अभी तक उसके अरेस्ट की बात सिर्फ हमारे स्पेशल सेल को पता है। एंड इट्स अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। इसके लिए सबसे पहले दिल्ली के सारे पावर ब्रोकर्स के फोन टैप करने होंगे, उसके बाद विक्की चड्ढा के अरेस्ट होने की खबर को मीडिया में उछालना होगा। न्यूज बड़ी बनेगी तो वो लोग रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, और उनकी ये गलती भी हमारे लिए बहुत है। उधर कुआलालंपुर में तड़के मलेशियन पुलिस ने विक्की चड्ढा को उनकी पत्नी मारिया के साथ गिरफ्तार किया। ब्लैक मनी वापस लाने की सरकारी कोशिशों में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार विक्की चड्ढा पर आकर रुक जाएगी या उन लोगों को पकड़ेगी जिनका हाथ विक्की चड्ढा के सर पर रहा। सूत्रों का कहना है कि देश से लूटा हुआ अंदाजन 1,00,000 करोड़ देश के बाहर के बैंकों में विक्की चड्ढा घुमा रहा है। मैम क्या आप बताइए कि विक्की की गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लग गया? मैम देश की जनता में काफी गुस्सा है, वो जवाब चाहती है, प्लीज जवाब दीजिए। लोगों का गुस्सा हम समझ सकते हैं। विक्की चड्ढा को हम जल्द ही वापस ले आएंगे और उसके साथ जिन जिन लोगों की साठगांठ है उन्हें भी पकड़ा जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हर भारतीय नागरिक से लूटा हुआ पैसा उसके अकाउंट में दोबारा जमा किया जाएगा, ये हमारा वादा है। क्या हो गया रणवाल जी? क्या भाई दशांक, ये क्या डबल ढोलकी बजा रहे हो तुम मां बेटे? सुना है तुम्हारी मम्मी हमारा पैसा लोगों के अकाउंट में जमा करने जा रही है? रणवाल जी आपको तो पता है सब बोलना पड़ता है, वो होम मिनिस्टर है। कामत और मेरे भरोसे पे सबने ये काम किए। रणवाल जी सिर्फ आपका या आपके लोगों का पैसा नहीं है उसके पास, मेरा भी तो है। कुछ नहीं होगा, मॉम जानती है अगर मैं फंसूंगा तो गवर्नमेंट गिर सकती है। आप रिलैक्स करो मॉम। मॉम अगर विक्की चड्ढा सेफली यहां पर आ जाएगा, सबको एक्सपोज कर दिया, तो या तो मुझे खुद को गोली मारनी पड़ेगी या ये लोग मुझे मार देंगे। मॉम जो इतने सालों से ऑपोजिशन नहीं कर पाया तुमने कर दिया, हरा दिया मुझे। मॉम नो मॉम, लीव। बट मॉम जस्ट लीव द शॉक। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये मलेशिया के सिचुएशन के बारे में हमें कोई डेफिनेट रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही? विक्की चड्ढा को वापस लाने का पेपर वर्क चल रहा है और मलेशिया की गवर्नमेंट ने भी हमें उसे सेफ हाउस में शिफ्ट करने की परमिशन दे दी है। ये बात कोई ना भूले कि हमने जनता से बहुत बड़ा वादा किया है, अब जनता के भरोसे का सवाल है। तो ना सिर्फ विक्की चड्ढा को वापस लाना है पर पैसों का भी पता लगाना होगा, वरना लोगों का भरोसा उठ जाएगा हम पर से। लीला जी? हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ, कुछ ब्रोकर्स पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए हैं। अब ये लोग फेस टू फेस मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्लान बनाएंगे। पर उनके मिलने के ठिकाने तो बहुत सारे होंगे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए हर पार्टी, हर 5-star होटल, हर शादी, हर वो जगह जहाँ ऐसी डील्स होती हैं, हम वहाँ पर अपनी आंख और कान खोलकर उनका इंतजार करेंगे।
का रूम नंबर चाहिए। चेक कर दो। यस करण। होम मिनिस्टर लीला चौधरी होटल पार्क इंटरनेशनल पहुंची। बेटा भी है साथ में। तो उससे क्या प्रूफ होता है? वेल, कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज है, टेक अ लुक। सर, होम मिनिस्टर का बेटा दिशांक इन्हीं से मिल रहा है। बट करण, ये लोग सब बड़े लोग हैं और तुम्हारे लिए रिस्क भी बड़ा है। छोटे में आज तक मजा ही नहीं आया सर। करण, मैसेज आ गया। प्रेसिडेंशियल सुइट 650। सबका सारा पैसा, पूरे का पूरा 1,00,000 करोड़ किसी अननोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, जिसके बारे में ना उसने पेपर ट्रेल छोड़ी है ना इलेक्ट्रॉनिक। सारे के सारे डिटेल्स उसकी खोपड़ी में है बस। इसीलिए उसे मारना बेवकूफी है। और वैसे भी मेरी मॉम उसे लाने के लिए अपने खास लोगों की टीम भेजने वाली है। निशांक, हम तुम्हारी मॉम से मिलना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके। दैट इज नोअर प्लान। अरे भाई, पता तो चले कौन कौन है उनकी टीम में। रणवाल जी, जो विक्की को वापस लाने वाले हैं। रणवाल जी, डोंट वरी, प्लीज प्लीज डोंट वरी। उस टीम में हमारे खास चुने हुए लोग ही होंगे। रास्ते में विक्की चड्डा जरूर भागने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है कि कोई उसे भगा ले जाए या फिर उसे मार दे। और इसीलिए हम अपनी बेस्ट टीम वहां भेज रहे हैं। हमारी टीम हेड कर रहे हैं एसीपी बक्तावर। सर, भीड़ बढ़ती जा रही है, लाठी चार्ज करवा दूं? नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट है, इन पर लाठी नहीं चलेगी। पुलिस के कुत्ते, टांगे के घोड़े और पॉलिटिशियन के लाडले बगतावर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो ऑर्डर मिला उसे पूरा करके ही लौटेगा समझो। जी मैम। आधा घंटा है तुम्हारे पास बगतावर। श्योर मैम। We'll be right back.
our encounter specialist. काउंटर को अपनी सुपारी किलर रही है, इंफॉर्मेशन और पैसा दो किसी भी गैंगस्टर को मार देगी। आई पोएंडी शेट्टी की भी हो गई छुट्टी। खबर गैंग टोटल फिनिश। इंग्लिश और इंपोर्टेड चीजें दोनों इसकी कमजोरी। पुलिस सर्कल में रूमर है कि इसने गैंगस्टर लाल सिंह को सिर्फ एक गुची के बैग के लिए मार दिया था। जितनी गरीबी से आई है उतना अमीर बनना चाहती है। हमारे साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर जफर हुसैन। 60 सेकंड है तेरे पास टेररिस्ट के अकाउंट्स हैक करने के लिए। थर्टी टेन फाइव नहीं फोर थ्री टू वन। नॉट बैड, वेलकम टू द फोर्स। 60 seconds, वाओ दैट्स इंप्रेसिव। सिस्टम हैकिंग में तुम्हारा रिकॉर्ड 90 सेकंड्स का था ना? ये तो तुमसे भी शार्प है। पर इसने कभी हाथ में गन नहीं पकड़ी है। इस आदमी को फेसबुक के स्टाफ में होना चाहिए था, इस टीम में नहीं। और शरद पांडे, इन्हें देखा है आपके साथ? चमचन चीफ है इस टीम में, मैडम की आंख और कान बन के जा रहा है। ऐसी घटिया टीम चुनी है तो इरादे तो नेक हो नहीं सकते। टीम तो अच्छी है मैडम, बट वी वांट टू नो आपका प्लान क्या है। विकी चड्डा को इंडिया लाकर ये सीधा तिहार ले जाएंगे। तिहार में उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाएगा। होम मिनिस्टर के चूज किए हुए ऑफिसर्स उससे पैसे का पता लगवा लेंगे और उसकी जान भी वही लेंगे। होम मिनिस्टर हूं तो मेरा प्लान जरा बेटर है। जेल में दंगा होगा, विकी को चोट लगेगी, अस्पताल पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही। अब मुझे खुल के सामने आना होगा, टीम में इन्फिल्ट्रेट करने का टाइम आ गया है। तुम्हें जो टीम चाहिए थी तुम्हें मिल गई, अब कोई ड्रामा नहीं चाहिए। उन जो को विकी के आसपास भी मत आने देना, बस उसे वापस इंडिया ले आ। गलती की कोई गुंजाइश मत रखना बख्तावर। हो जाएगा मैम, वैसे भी बख्तावर आज तक कोई ऑर्डर पूरा करने में फेल नहीं हुआ है। हेलो सर, जफर। आई नो, अंडर कवर का मतलब शायद विदाउट कवर समझ लिया मैडम ने। yeah.
अभी तक क्यों नहीं आया? वाइस केयर नेनु भावना रेड्डी, योर नेम जाफर? जाफर जाफर कंप्यूटर मैन? हाँ इन पुलिस. पुलिस नो नीड कंप्यूटर, नीड गन. व्हाई यू? एक्चुअली इन टुडेज वर्ल्ड. तेरे को ज्यादा मालूम है मेरे को? छोटा छोटा लाइट लो. मैं क्या बोल रही, सब जन कथे मैं आज सुपर स्टाइलिश लग रही. सब बोर्डिंग का टाइम हो गया और पांडे अभी तक नहीं आया. मैं तो टाइम पर हूं ना. हम करण पांडे. करण पांडे 52 इयर्स के हो, लिखे थे रिपोर्ट में बहुत अच्छा मेंटेन करे. पांडे ने अच्छा मेंटेन नहीं किया, उसे तो स्ट्रोक आ गया, उसकी जगह मैं ले रहा हूँ. इस साबुन पे तेरा पैर फिसलेगा सर, उससे टकराएगा और तू मर जाएगा. यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक मेरे पास ऐसे 50 तरीके हैं तुझे एक्सीडेंटली मरवाने के, पर किसी को पता नहीं लगेगा. तू एयरपोर्ट नहीं हॉस्पिटल जाएगा. अगर मैं मान भी जाऊं तो भी तुझे स्ट्रोक आया तू ऐसा कहेगा. हॉस्पिटल में सेटिंग हो चुकी है. पांडे क्या हुआ है? पांडे पांडे कुछ तो बोलो. मैंने कहा ना मैं स्ट्रोक है, कैसे बोलेगा बेचारा. अचानक अचानक ही आता है मैम, किसी भी इंसान को आ सकता है. अब आप लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, आपको भी डॉक्टर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं, तुम करोगे तो शायद तुम भी. पर ये करण इतना कमीना निकलेगा मुझे पता नहीं था. दीदा मैं पेपर्स. तुमको मालूम ना मैं कौन? फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री जा रही. A1 फैशन स्टाइलिश कपड़े पैक कर रही, फॉरेन लोकेशन में सुपर दिखेगा. तुम फॉरेन से क्या ले रहे? मतलब अरमानी परफ्यूम, एप्पल का फोन, रेबैन का कूलिंग ग्लास, रिलैक्स का घड़ी. हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं. ये व्हाइट कॉलर क्राइम वाले एकदम इच लल्लू होते, उसको लाने में क्या टेंशन लेते. प्लेन में जाओ उठाओ, प्लेन में बिठाओ, बीच में आदमी क्या करेगा? शॉपिंग शॉपिंग. मैम एयरपोर्ट पे पांडे की जगह करण. पांडे को स्ट्रोक आया है अचानक और उसके अस्पताल पहुंचते ही स्पेशल सेल से इसका रिकमेंडेशन आया. 9 पैराट्रूपर्स में कमांडो था, कोर्ट मार्शल हुआ था इसका, दिन दहाड़े सिविलियंस को मार डाला था. रूल्स में बिलीव नहीं करता. डेंजरस है, इस पर नजर रखना. Hi, ACP Vakhtavar Khan, and this is my team. Zafar. Ayyar garu, yeah, airport ka najdi koi shopping mall hote? Nahin. Yahan se seedha safe house chalenge. Okay. Yahan par to rasta hi rasta hai. Wo bhi itna saaf. Detergent wash. Clean pollutions. Kada.
हायर गार हो थोड़ा ठहरते क्या? आउटडोर लोकेशन में फोटो सेशन कर सकते हैं। क्या करूं जी, वो व्हाट्सएप पे मेरा ब्रदर राजू बार बार बोल रहा ना इसके लिए। अच्छा, मिस्टर अय्यर, आप विकी का फोन और लैपटॉप जफर को दे दीजिएगा। श्योर। जफर, भावना एंड एवरीबॉडी, हम विकी और उसकी वाइफ के सिर्फ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, उनकी इंटरोगेशन की पावर हमारे पास नहीं है। उस चड्डा को मिलते ही ऐसे गले लगाऊंगा ना कि तुम्हारे हाथ पैर मेरे ऑर्डर्स के गुलाम है। मेरे हाथ पैर तो खुद मेरे ऑर्डर्स नहीं मानते। But you can always try. अगर तुम्हें काम करने से रोके तो गोली मार दो, यहां मैं संभाल लूंगा। Yes. Go for the kill. Go, 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 go. Just get it. Get. Hey guys, seriously, तुम लोग ऐसे attitude से खड़े हो जैसे ISIS के चीफ को घेर रखा हो। But trust me, जब तुम लोग सच जानोगे ना तो तुम खुद पे उतना ही हंसोगे जितना इस वक्त मैं तुम sorry, so sorry. My love. Hot है ना? I know. Maria. ACP वक्तावर खान, हम assure करते हैं अगर आप cooperate करेंगे तो हम आपके साथ बहुत civil रहेंगे. We also assure your full cooperation, officer. Maria. Shit, fellow. इसको बोलना बहुत मुश्किल. सिर्फ चश्मिश टाइप की लेडी से बात किया ना जिंदगी भर। Myself रेड्डी। हाय। भावना रेड्डी, इंस्पेक्टर, एनकाउंटर इंस्पेक्टर, लिपस्टिक शेड सुपर स्टाइलिश। कहाँ से लिए? थैंक यू इंस्पेक्टर, आई रियली डोंट रिमेम्बर। I didn't get your name. I didn't give it. Oh, Vicky, सामने medicines रखी है पर तुम खुद से तो लोगे नहीं ना? कोई सोच नहीं सकता। क्या कि इतना बड़ा criminal है? नहीं, किसकी wife इतनी hot होगी? जिंदा इसी की वजह से हूँ। और अब तक जिंदा इसी ने रखा है। अच्छा, बस बहुत हो गई मेरी तारीफ। कम ऑन, टेक इट। तुम्हारे रोमांटिक सीरियल का एपिसोड खत्म हुआ हो तो काम शुरू करें। ओह मैन, आई एम स्केयर्ड, मेरे हाथ भी कांप रहे। Listen, you holier than thou piece of shit. मैं सिर्फ एक कहानी हूं जो मेरे ही देश के करप्ट और कमीने पॉलिटिशियंस ने फैलाई है। ब्लैक मनी इज इक्वल टू विक्की चड्डा, चैप्टर ओवर। उन्हें सिर्फ बलि के लिए एक बकरा चाहिए था, इसलिए उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया।
डोंट यू गेट दैट डैम इट, मैंने कुछ नहीं किया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद और भी जरूरी हो गया है कि विकी चड्डा को आप हिंदुस्तान ले आओ। अगर उसे वहां कुछ हो गया ना तो उसके लोग यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इट विल बी अ वॉर। या उसे सेफली इंडिया ले आओ। आप दोनों को क्या लगा? मेरे हिसाब से तो ये तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा तेज है विकी, इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ। जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। तुम्हारा दिमाग तो उसका वाइफ को देख के ऑफ हो गया ना। लेडीज एंड पुलिस इंस्टिंक्ट, करेक्ट ना? टेल टू मी जफर, मिस्टर ईयर ने तुम्हें लैपटॉप दिया है ना? हाँ। कुछ काम कर लें क्या? सब क्लीन है, सब कुछ साफ करके रिबूट कर दिया इसने। साइबर सेल में तो विक्की चड्डा होना चाहिए था। ये कुछ तो प्लान कर रहा है जफर। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है विक्की चड्डा? मिस्टर ईयर, देयर इज अ प्रॉब्लम मिस्टर बक्तावर। आज पुलिस ने 4 शार्प शूटर्स को मलेशिया में एंटर होते हुए अरेस्ट किया। दुबई कनेक्शन, दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। मुझे लगता है या तो विक्की पर अटैक होगा या हम पर। यार जफर, तुझे कंप्यूटर्स में इतना इंटरेस्ट था तो आईटी में क्यों नहीं गया? पुलिस ऑफिसर क्यों बन गया? मेरा नाम तो ध्यान से सुना ही होगा आपने, जफर हुसैन। मेरा नाम सुन के बचपन से मुझे देशभक्त समझने के कितने चांसेस थे। कहीं ना ये 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 बात ना लग गई। फिर सोच लिया कि बेटा अब तुम कंट्री के लिए कुछ करेंगे, जान दे देंगे साला, फिर चाहे पुलिस फौजी कुछ भी। लेकिन अब ऊपर वाले ने गुर्दे से ज्यादा दिमाग दिया हो तो उसमें मेरी क्या गलती। लेकिन देखिए सर, आप कुछ भी गए हूं तो पुलिस वाला ही। एब्सोल्युटली, वजह चाहे गलत हो पर देश की सेवा करने में जो मजे है ना, वो किसी और में नहीं है यार। आप बात इतनी गहरी करते हैं कमांडो, तो चोट भी कमाल की देते ही होंगे। फाइटिंग होने दो, मैं मेरा स्टाइल भी दिखा दूंगी। चलो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा आते ही चला गया, लगता डरता थोड़ा मेरे से। कल सुबह 9 बजे हमें इंडिया ले जाएंगे। अगर कल हमें वो इंडिया ले गए तो हम अपनी तारा का बदला नहीं ले सकेंगे। करण, पक्की इंफॉर्मेशन है, विकी के तिहार आते ही ये लोग पैसों की इंफॉर्मेशन निकलवा के उसे मरवा देंगे। सर, विकी इंडिया आएगा ही नहीं, सबके सोते ही उसके कमरे में घुस के पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। उन कमीनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा सर। आई कॉल यू बैक सर। एक्सक्यूज मी, विक्की सो रहा है। तुम मुझे लोरी सुनाने तो आई नहीं हो।
बोलते अच्छा हो। तुम्हें देखकर बात अपने आप निकल आती है। सोचते भी अच्छा हो। ऐसे ही घूरोगी ना तो सोचना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और देखने की आदत तो है ही अलग। तुम दिखती जो ऐसी हो। तुम्हें लगा इसीलिए आई हूं, राइट? आई एडमिट तुम्हें रेसिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर पागलों की तरह प्यार करती हूँ व्हीलचेयर पे पड़े अपने उस हस्बैंड से। दुबई शहर की हासिल बसल से दूर एक शांत एरिया में हमारा प्यारा सा एक घर था। काफी खुश थे विक्की में और हमारी तारा। एक अच्छी और ऑनेस्ट लाइफ जी रहा था विक्की। वो एक सक्सेसफुल बैंकर था, एक लीडिंग बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ दुनिया भर के टॉप क्लाइंट्स हैंडल कर रहा था। एक इंडियन एम्बेसी की पार्टी में इंडिया के कुछ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से किसी ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। अगले दिन उन्होंने विक्की को लंच पर बुलाया और 10% पर अपना ब्लैक मनी घुमाने का ऑफर दिया। जब विक्की ने मना किया तो धमकी दी कि इंडिया में उसके बूढ़े पेरेंट्स को मार देंगे। और एक दिन मॉर्निंग वॉक पे गए, उसके डैड अचानक गायब हो गए। उन्होंने कहा कि यही होगा उसकी माँ, मेरे और हमारी बेटी के साथ। बस फिर विक्की ने माफी मांगी और वो मान गया। और वहां इंडिया में उन्होंने विक्की का एक पुलिस रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। विक्की को एक मॉन्स्टर बना के रख दिया उन फाइल्स में। उसके अलग अलग चेहरे वाली बात, उसकी जब गायब हो जाने वाली बात, एक हवा बना के रख दिया मैंने विक्की को। एक दिन उसने मुझसे कहा, मारिया बस मैं अथॉरिटीज को सब कुछ बताना चाहता हूँ, आखिर कब तक अपने देश को लूटता रहूंगा। मैंने उसका साथ दिया, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कांटेक्ट किया, लेकिन उसके अगले ही दिन उससे ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था ऑफिसर। तारा वॉज द लाइट ऑफ आवर आइज और हमने उसे खो दिया, लेकिन मेरा अकेले सिर्फ विक्की बच गया। मैं अपने आप को ब्लेम करती रही, लेकिन विक्की ने कहा मुझे मेरी सजा मिल गई। अगर अब ये पैसे मैं उन लोगों को नहीं अपने लोगों को लौटाऊंगा जिन्होंने हमारी बच्ची को मारा है, उनसे बदला लेना है। अब प्लीज करो, बदला लेने में हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी बात क्यों मान लूं? भी तुम्हें कल के सारे रिकॉर्ड चेक कर लो, और अब आज की बात आई प्रॉमिस मैं विक्की को मना लूंगी कि वो तुम्हें सब बता दे, उन सबके नाम, उनकी गलतियों के सबूत, पैसा कहाँ है वो भी। प्लीज हमारी मदद करो। और बदले में तुम्हें क्या चाहिए? दो चीज। पहला, तुम उन सब कमीनों को जेल पहुंचाओगे, और दूसरी हमारी सेफ्टी, हमें थाईलैंड बॉर्डर तक पहुंचा दो। बैंकॉक में हमारे रिश्तेदार हैं, वहां हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वहां हम लोग नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। और मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए। हाँ करण, क्योंकि मैं विक्की को बचाने के लिए और तारा का बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अपने पति से इतना प्यार करने के बावजूद इससे भी आगे बढ़ सकती हूं।
दुबई में एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, सिविल कोर्ट रिकॉर्ड्स, मैरिज रजिस्ट्री, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, उसने जो भी कहा आपसे सारे फैक्ट्स सही हैं कमांडो। 4 साल की बेटी थी उसकी। हम रोड बदल रहे हैं, अब आप लोग एक बोट से जाएंगे और एक ऐसे पोर्ट पर उतरेंगे जो मलेशिया थाईलैंड बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है। वहां मेरी टीम आपको रिसीव करेगी और एक प्राइवेट एयरफील्ड पर ले जाएगी, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट में आप इंडिया वापस जाओगे। प्राइवेट एयरपोर्ट फील्ड पे ड्यूटी फ्री दुकान होते ना? इसको पता होगा। मुझे आपके यहाँ का इंतजार है। गलती करेगा अगर उसकी बात ना मानेगा। क्यों पहुंचाऊं तुझे बैंकॉक? तुम्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट? मगर उन लाखों हिंदुस्तानियों से लूटे हुए पैसों में तो है। सिंगल सिंगल मत लो, सीधा चौका मारो। कम ऑन, गेट मी एक्साइटेड। थाईलैंड में बैंकॉक का सबसे बड़ा मॉल टर्मिनल 21। उस मॉल के लॉकर रूम के लॉकर नंबर 307 से मुझे एक चाबी चाहिए। उसी चाबी से मेरे बैंक का लॉकर खुलता है। एक बार पैसा मेरे पास आ गया तो तुम जो बोलोगे वही करूंगा। अब तुम मुझे बोर कर रहे हो। फाइन, टर्मिनल 21 के लॉकर रूम में फोन करो और पूछो कि लॉकर नंबर 307 किसका है। और दूसरा कॉल करो नेशनल बैंक ऑफ बैंकॉक को, ये कंफर्म करने के लिए कि वहां मेरा अकाउंट है या नहीं।
ठीक है? हमें मिस्टर अय्यर वाले पोर्ट पर नहीं बल्कि दूसरे पोर्ट पर जाना होगा। करण तुम थोड़े पागल थे मुझे पता था, लेकिन इतने पागल हो उसका आइडिया नहीं था मुझे। विकी को तिहाड़ ले जाके मरवाने में कोई फायदा नहीं है भक्तावर, उसे बैंकॉक ले जाने में ज्यादा फायदा है। कमांडो जो कहा गया है करते हैं, नहीं तो। नहीं तो क्या, सल्यूट बजाते रहोगे तो ड्यूटी कौन करेगा सफर? तुम करोगे ड्यूटी। तुम्हें अभी गोली मार दो ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मालूम नहीं पड़ रहा सर, इन्हें करेक्ट बोल रहा है या इनके काना बज रहे मारिया वारिया की आवाज। We've been compromised. हम पे कभी भी अटैक हो सकता है, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या? अगली गोली कहीं और लगेगी। मैं लास्ट टाइम बोल रही, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा तुम। इसकी पट्टी वट्टी कराओ। मिस्टर अय्यर, लिसन केयरफुली, करण विक्की को लेकर भाग गया है। कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। गन हाथ में होएगा तो कुछ पूछती, तब भी जवाब एकदम करेक्ट मिलता है। यही सही है भावना। भावना वो तो टाइम ही बताएगा तेरे ये भावना करेक्ट है या नहीं। बाकी एक चीज, मॉर्निंग में तेरे को जॉगिंग करता देख के मन में लव का भावना जाग गई थी, वो भावना आधा घंटा पहला फिनिश। भरोसा करने के लिए थैंक यू करण। आगे एक यूनिवर्सिटी आएगी, वहां रुक लेना प्लीज। तो बहुत स्पेशल हो, मेरे साथ चलो, लाइफ विल बी ग्रेट। और अगर यही ऑफर मैं तुम्हें दूं तो? विकी, कम डार्लिंग। बिना किसी स्वामी जी का हाथ लगाए तो चमत्कारा हो नहीं सकता, मतलब इन्हें चूना लगा रहा था।
छोड़ो मुझे। विक्की कहीं नहीं जाएगा। चाहो तो बॉडी रख सकते हो। लड़कियों की कुछ खास पहचान नहीं है तुम्हें? दरअसल विक्की चड्डा मैं हूं। यू मस्ट बी क्यूरियस कि फिर वो कहानी क्या थी। कहानी सच्ची थी, बस वो फैमिली किसी और विक्की चड्डा की थी जिसे मरवा के मैंने उसकी जगह ले ली। But I owe you one. तो जिंदा रहो, खुश रहो, स्वालविदा, गुड बाय। Unfortunately, I owe nothing. करण हॉस्टाइल हो गया है। जब तक विकी थाईलैंड में है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अय्यर को ऑर्डर्स दे दिए कि करण को किसी भी तरह जल्द से जल्द अरेस्ट करो। जब वो पकड़ा जाएगा हमसे डील करना चाहेगा, हम भी डील करेंगे। तुम प्रूफ करना चाहते थे ना जफर, साबित कर दिया तुमने। जान दे दी यार। बार बार बोली उस मैडम का भरोसा न को कर करके, पर तू सुना ही नहीं। आई डोंट गेट इट। इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाने के बाद अचानक उसे सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी कि आप कौन हैं, क्या है। आई मीन, ऐसा आपने उसमें क्या देख लिया जो करण और मेरा इक्वेशन तुम नहीं समझोगे। और वैसे भी मरने से जिस विक्की चड्डा को वो ढूंढेगा वो विक्की होगी ही नहीं। चैंग को बोलो यूनिवर्सिटी के मर्डर्स अपने सर पर लेके सरेंडर कर दे वेपन्स के साथ। Let's go to Terminal 21 fast. Karan gusse se pagalon ka peecha aa raha hoga. Sir, Zafar ki body yahan university mein rakhi hai. Body ko India pahunchana hoga, wo bhi full honors ke saath. Ye honor honor ki baat tum mat karo. Ye sab kuch tumhari wajah se hua hai. Just stay there and surrender. Let's go. Apna saathi ko aisa chhodne ki baat kar raha tu? Us Vicky Chadda ko Terminal 21 pahunchne se pehle rokna hoga. Aur haan, medal lene ke liye nahi kiya ye sab. ना कोई फॉरेन टूर के लिए, साथ देना है तो दो। मॉम ये कैसी टीम भेजी आपने? सबके सब निकम्मे निकले। और निकम्मों की बात आप ना ही करें तो बेहतर होगा। आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो विक्की चड्डा है ही नहीं। देखिए मैडम, जफर की मौत तो ऐसी जाया होने दोगी? करण,
पुलिस वाले पे अगर किसी ने हाथ उठाया तो पुलिस उसे मारे बिना छोड़ती नहीं। मिस्टर अय्यर, मुझे एक चॉपर चाहिए। करण ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाएगा। आज जफर के साथ करण की भी लाश आएगी। सर, मुझे टर्मिनल 21 के आसपास के हर एक एरिया में हर एक ऑफिसर के पास करण और भावना की फोटोज चाहिए। वेलकम। बिना इंटरेस्ट के तो कोई लड़का इतना पीछा नहीं करता। डिसाइड करना मुश्किल है कि खतरा बढ़ता देखकर तुम फ्लर्ट करती हो या फ्लर्ट करने से खतरा बढ़ जाता है। यस सर। करण मॉल के बाहर एयरप्लेन जंकयार्ड में है। ओके, स्टे देयर एंड गाइड मी।
ये क्या? मैं दो मिनट बिजी क्या हो गया? अब तो जाने लगी। देख क्या रहा, सीधा गोली मार लांजा को। पुलिस पे हाथ उठाया ने। चाबी। क्या करोगे चाबी का? इसे बैंक का एक लॉकर खुलता है, उस लॉकर में एक बैग है और उस बैग में एक लैपटॉप, जिसके लिए मेरे रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है, और वो भी मिल गया तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ यहाँ। इरादा तो था ही, आपने बहाना भी दे दिया। अब सिर्फ चाबी नहीं, चाबी वाली को भी लेके जाऊंगा। Drop your weapons! गाड़ी में बैठिए मैम, परसेंटेज बाद में डिसाइड कर लेंगे। सोचिए मत मैम, वजह खुद ही बता देता हूँ। ये देश सेवा लोगों को बोर ही नहीं करती, भिखारी भी बना देती है। बैंकॉक में अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहता, वरना तुझे मारने का मौका मैं नहीं छोड़ता। डू नॉट मूव। टोटल पैसा कितना है स्टिक पे बाप? मैं भी अपना डिसीजन लूं, जान पे खेलेगा तो फायदा होएगा कि नहीं। यहाँ पर तो बख्तावर जैसा फ्लैट हो रहा, और मैं तो ओरिजिनली चलालची टाइप्स की हूं। जस्ट शट अप। हाँ, जिसको बोलना चाहिए था उसका सामने तो तुम फुल साइलेंट मोड हो जाते। अरे सर, अय्यर गारू मेरे को काय को? कभी सुने क्या, एक ही केस में किडनैप और अरेस्ट दोनों होते हुए किसी को? खामोशी खतरे की निशानी होती है बख्तावर। कैसा खतरा मैडम? सारी गोटियां पहले से ही फिक्स की थी ताकि इस ट्रिप पर आ सकूं। बोट पर करण आपके साथ बात कर सके, इसलिए जानबूझकर मैं फोन लेकर बाहर चला गया, वरना आपकी प्लानिंग नहीं हो पाती ना। ये पुलिस का आदमी है मैडम, इस पर भरोसा करना। पुलिस के आदमी से वफादार आदमी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार बिक गया तो समझो पूरी जिंदगी बिका हुआ ही रहेगा। कितने में बिकोगे? 10। 10 से 1% भी कम नहीं लूंगा मैं। अरेस्ट करवाओ भैया, और उसके अरेस्ट होते ही करण और बख्तावर को गोली मार दो। सॉरी मैम, थाईलैंड में विक्की का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम उसे इस कंट्री में अरेस्ट नहीं कर सकते। What? यूनिवर्सिटी के पास उसने दो लोगों का खून किया था ना, उसमें से एक तो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड था। पर उसके एक आदमी ने खून अपने सर पर लेकर मर्डर वेपन के साथ सरेंडर किया। इंटरपोल से बात करके रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू करवाओ। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इंडियन गवर्नमेंट इंटरपोल को अप्रोच करेगा, तो अब से किसी भी काम के लिए यूज होने लोकल क्रिमिनल्स। क्या आइडिया निकाले तुम, बेचारा जाफर को ऊपर भेज दिया और मेरे को अंदर कर दिया। छाला बागुंदी। उसके आदमी वहां तक पहुंचे कैसे? How did they know? क्या क्रैक है तुम, इतना मट्टी खाके भी कबड्डी कबड्डी बोलना बंद नहीं किया। करण टेल टू मी, मैं तो हाउली छू, पर तुम और जाफर काय को विकी का स्टोरी चेक नहीं किया? स्टोरी सही थी, ऐसा आदमी भी था और ऐसी फैमिली भी थी। अय्यर गारू, मेरे को इसके साथ अंदर काय को डाले, मेरे को तो कानपट्टी पे गन डाल के लेके गया है, इसमें मेरा क्या गलती है? गलती थी या नहीं ये इंडिया में इंक्वायरी कमीशन डिसाइड करेगा। अच्छा, और मेरा फैसला कौन करेगा? तुम्हारा फैसला दिल्ली कर चुकी है। दिल्ली फैसला बदलने वाली है, मुझे फोन दो और बाहर जाओ। क्यों, किस खुशी में? आपकी लीला मैडम इस समय गुस्से से पागल हो रही होंगी, मुझसे बात करेंगी तो शांत हो जाएंगी। अय्यर, प्लीज गिव मी सम गुड न्यूज। मैम, दे सकता हूँ मगर मैं अय्यर नहीं हूँ। करण, बोलने के अंदाज से पहचान लिया?
अय्यर का फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया? मार दिया उसे भी? बक्तावर की सोच छोटी है, वो विक्की से लगभग 10% ले रहा होगा। मैं आपसे 20% लूंगा। लेकिन काम हो जाएगा। डन। लेकिन मैं चांसेस नहीं ले सकती। बक्तावर को भी मैं 15% ऑफर करने वाली हूँ। फिर देखते हैं कमीशन कौन हासिल करता है, वो या तुम। फिलहाल मिस्टर अय्यर को कहिए टू गिव मी अ फ्री हैंड। रखता हूँ। आज सैटरडे है, बैंक मंडे को खुलेगा। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे उसे ढूंढने के लिए। कैसे ढूंढते, कहां को ढूंढते? विक्की ने सेफ हाउस अपने आदमियों को मैसेज भेजा था किसी के जरिए। मिस्टर अय्यर, सेफ हाउस की सारी सीसीटीवी फुटेज हमें कब तक मिल सकती है? मुझे ढूंढने के लिए करण वहीं से शुरू करेगा जहां पहली बार मिले थे। अगर उसे वहीं से मेरे प्लान का पता चल जाता है तो मेरे एक कदम करीब आ जाएगा, इसीलिए हमें उससे एक कदम आगे निकलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस, द फूड वाज अमेजिंग। एनीवे आई डोंट हैव मच, दिस इज ऑल आई कैन गिव यू। गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ा कंजूस माकेचूस होता है ये विक्की चाडा। स्विस बैंक हमें पैसा डॉलर ना भरा पड़ा और अपना बेचारा कुकी को खाली बाइबल पकड़ा दिए। कुकी, ये नाम था क्या उसका? नको नको, ना मामा बाबा एरिका रखे, उन्हें लेडीज कुक कहना, इसका लिए कुकी। कुछ नहीं था इसमें, नॉर्मल गिडियंस बाइबल थी। एक मिनट। ऐसा क्या खजाना मिल गया तुमको? जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इस बाइबल में थी, और एरिका ने ही विक्की की सारी खबर उसके आदमियों तक पहुंचाई है। एरिका का एड्रेस एम्बेसी के रिकॉर्ड्स में से अभी मिल जाएगा। पूरा सिस्टम विक्की के कंट्रोल में था, वरना बैंकों की रहने वाली एरिका की मलिजा के सेफ हाउस में नौकरी नहीं लगती। पर उस बाइबल में क्या खजाना होता? वही तो पता करना है। प्लीज हरी अप। हमसे बहुत तेज है, पन भावना रेडी भी कम नहीं। यहाँ से कुछ न कुछ प्रूफ तो लेकर ही जाएंगे। कहीं नहीं है बाइबल। डिलीवर करी थी इन्हें, सबूत भी भेज जाए डिलीवरी का एक नंबर पे। सोफा की सीट के नीचे इसका फोन पड़ा था। इस क्लिप को अपने मोबाइल पे फॉरवर्ड करके इस फोन से डिलीट कर दो और फोन यहीं छोड़ दो पुलिस के लिए। फोन को वहां छोड़ने की गलती तुम कैसे कर सकते हो केपी? आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अगर पुलिस को फोन मिला भी तो क्या प्रूफ होगा? आई मीन चेक दिस। इस क्लिप में उसका चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। आई हेट मिस्टेक्स केपी, सो डोंट ट्राई एंड डिफेंड इट। एरिका फिनिस, इन आदमी का फेस नहीं दिख रहा। ये एज दोनों का मिले वो भी ना को दिखते। अब कैसा मालूम पड़ेगा बाइबल किसको दी और उसमें क्या तो भी होता। गुड न्यूज, पुलिस को फोन तो मिल गया लेकिन उसमें कोई क्लिप ही नहीं थी। एरिका ने क्लिप पहले से ही डिलीट कर दी थी। इट्स अ डेड एंड।
बार बार चलान से एक्स्ट्रा साफ थोड़ी दिखेगा। मिस्टर अय्यर, एक हाईटेक फॉरेंसिक लैब चाहिए। पांच बेल्स मतलब शाम के 5 बजे। वो दोनों जहाँ मिले हैं वो एक चर्च है। पूरा बैंकॉक में 407 चर्च है। सब चर्च में 5 बजे 5 बार इच बेल बजता है। तो आप मिड फ्रीक्वेंसी को 1.5 से 3.5 किलोहर्ट्ज़ पे ले जाइए प्लीज। दूर से किसी छोटे शिप का हॉर्न है, नदी के पास है कहीं। शह, इंप्रेस करने की कोशिश ना को कर रहे। पूरा शहर नदी का किनारे को है। क्या बोल रहे। अब हायर फ्रीक्वेंसी को 6 से 10.5 किलोहर्ट्ज़ पे ले जाइए। श्योर। इतने सारे बर्ड्स की आवाज मतलब नदी के किनारे एक चर्च है जिसके पास एक बर्ड सैंक्चुरी है। Can I have the visual on the big screen? Yes, sure. Stop. Can you zoom into his hand? Can you clean this reflection? Okay. नदी के किनारे यही एक चर्च है जिसके पास एक बर्ड सेंचुरी है और सामने मैकडॉनल्ड्स है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेगा ना तो मैं बोल रही मेरे को जबरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से और मैं होटल पे चपका दूंगी एक तो। अच्छा इसको वार्निंग समझो चाहे तारीफ। और नंबर 2 ये बैड मैनर्स वेस्ट फेलो। जगह बहुत सही चुनी है लोगा। चर्च के बाहर किसको तो भी बाइबल दी है तो काउंट शक करेगा। सुपर स्मार्ट। सवाल ये है कि बाइबल के जरिए विक्की ने मैसेज क्या भेजा है। पर इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इन आदमी है कौन। जिमी इंडियन है, यहाँ किसी सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया था। बहुत बड़ा हैकर है और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है। कॉन्ट्रैक्ट्स लेके काम करता है। वो अपना आईपी मास्क करके लोकल कैफेज के फ्री वाईफाई को यूज करता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ये हमारी आखिरी उम्मीद है विक्की तक पहुंचने की। मैं जिमी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। टेल हिम। वो जिमी को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर मैडम वो एक क्रिमिनल है, उस पर नजर रखने में बहुत बड़ा रिस्क होगा। के पे रिस्क चाहे कितना भी बड़ा हो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हमें जिमी अकेला चाहिए। हम जिमी को टेल करेंगे तभी समझ आएगा वो कर क्या रहे। मिस्टर अय्यर, हमें एक डायवर्जन क्रिएट करना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा ड्रामा काय को करते। जिमी को उठा के मैं 2-4 थप्पड़ मारती हूँ, सब बोल देता। मिस्टर अय्यर, आर यू रेडी? करण और भावना को डिपोर्ट कर रहे हैं आज ही। नहीं नहीं, इसमें कोई ट्रैप जरूर है। लेट्स नॉट ट्रस्ट देम। बक्तावर इज राइट, इसमें जरूर कोई ट्रैप है। तुम दोनों को खुद जाके देखना होगा। देखा है लेकिन हमें चांस नहीं लेना चाहिए। KP is right. Leave Jimmy alone. अब वो जिमी को टेल करने का रिस्क नहीं लेगी।
जिमी कुछ ऐसा कर रहा है जो ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही दिन है हमारे पास। सब जगह में कुछ तो कनेक्शन है, कर क्या रही है? नहीं ये कुछ कर रहा ना, हम दोनों कुछ कर रहे। क्या करना है तुम्हें? छोड़ो छोड़ो लाइट लो। Move, move. He's leaving. तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है? हाँ बोलो। कुछ मिला? कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। मीनू कार्ड का एक भी आइटम समझ नहीं आ रहा था। काउंट से तो एक आइटम पे फिंगर रख दिया। अब बस जहर जैसा पी रही हूँ कुछ। अरे उसमें अल्कोहल तो नहीं है? नहीं, शराब तो बहुत अच्छे से पहचान लेती हूँ। मरने वालों में बड़ा इंटरेस्ट है ऐसे। वेयर्स द बाइबल? आउच! ड्रिंक्स पड़ पोइंडी। आई एम सॉरी, कैन आई बाय यू अनदर वन? ओके। उसके बाद डिनर भी हैंडसम। यू आर क्रेजी। का कैसे इस्तेमाल करना चाहती है?
नहीं उठाया तो क्या हुआ? 20 मिस्ड कॉल का मतलब समझता हूँ मैं। अभी भी यही सब समझना, बाकी कुछ ना को समझना। ड्रामा मत करो, उसे होश आ गया। कौन हो तुम? तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाला या ऊपर, डिसाइड तुम करो। तो तुम उन लोगों का एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हो जिनके मरने के बाद उनकी फैमिलीज उनका बैंक अकाउंट बंद करना भूल गई हैं। फिर उन अकाउंट्स को हैक करके अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हो। इसके अलावा तुम एक और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो जिससे एक अकाउंट से ऐसे 3 लाख अकाउंट में सिर्फ एक बटन दबाकर पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर और डेटाबेस तुम विक्की को देने वाले हो। वो $15-20 के छोटे छोटे ट्रांसफर उन अकाउंट्स में करेगी और वहां से किसी नए सेफ अकाउंट में धीरे धीरे सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दुनिया की कोई भी सरकार और एजेंसी ऐसे $15-20 के ट्रांसफर्स को ट्रैक नहीं कर पाएगी, इसलिए सारा पैसा गायब हो जाएगा। पैसा ट्रांसफर करके तुम सारे अकाउंट्स बंद कर दोगे तो चैप्टर ओवर। नो, यू आर रॉन्ग। आई एम राइट। प्लीज मुझे हार्ड ड्राइव दे दो, अगर मैंने विकी को ये ड्राइव नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार देगी। मैं तो चाहता हूँ तुम ही हार्ड ड्राइव उसे दे दो। नो, वो पिच्चा पागल हो गया है। तू सामने से इसे डिस्क देने जाएगा? तू इतना तो सोच, अगर उसे ये डिस्क नहीं मिली तो वो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। लेकिन पैसा तो उसी के पास रहेगा ना जब तक वो हमें नहीं मिलती है। बहुत बड़ा रिस्क ले रहा तू, फेल हो जाएगा तो क्या होगा मालूम है ना तेरे को? कॉल कर उसे। लो, उसी का फोन आ गया, बात कर लेकिन सोच समझ के। हेलो, ऑल ओके? या हाय विक्की चड्डा, देश छोड़कर जाना नाटक था या मुझसे दूर रहा नहीं गया? आज साथ चलने से मना मत करना। प्यार करते हो या मारना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है? दिमाग कहता है जान से मार दोगे, मगर दिल कुछ और कहता है। तो फैसला दिमाग करेगा या दिल? गोली तो नहीं लगी, फिर भी जख्म तो देखी ज गई। हाँ, प्यार नहीं पैसा चाहिए। 20% जाने का है था गम? 20 नहीं, मुझे पूरा 100% वापस चाहिए। क्यों और किस लिए? ये तुम जैसी करप्ट ऑफिसर कभी नहीं समझेगी। हाउ हाय माय करप्ट, पन छोटा मोटा लूटती, फुल कंट्री को लूटने का ना मेरा कोई इच्छा है ना औकात। हमारा यहाँ गांव में पीने का पानी के लिए भी 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, टैंकर से अपने हिस्से का पानी के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। वहां का पैदा हुआ हर इंसान सिर्फ एक अच्छा सीधा साधा जिंदगी चाहता है, पर जहां पानी के वास्ते भी रिश्वत देना पड़ता है वहां ईमानदारी कैसे सीखेगा कोई? सब समझती हूँ मैं, और मैं फर्स्ट डे से ही जानती हूँ तुम ये सब 20% के वास्ते नहीं कर रहे,
तू कल जो भी करेगा माई तुम्हारे साथ है। इसका नाम हनिया है। लिबिया कंट्री के त्रिपोली शहर में छुपकर रहती है। पिछले कुछ हफ्तों से त्रिपोली की पुलिस इसे ढूंढ रही है। अपने मालिक के यहाँ छोटी सी चोरी का इल्जाम है। ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की सजा होगी, लेकिन ये पकड़ी नहीं जाएगी। ये भागेगी और मारी जाएगी। हम मार देंगे उसे, फिर उसकी जगह मैं लूंगी और त्रिपोली की पुलिस मुझे पकड़ेगी हनिया समझ के। इंडियन गवर्नमेंट विक्की चड्डा को त्रिपोली की जेल में हनिया के नाम से तो ढूंढेगी नहीं, और 4 महीने बाद मैं छूटकर सारे पैसों के साथ ऐश करूंगी हनिया बनकर। वाह, ये चेहरा फिर से बदलने वाला है कीर्ति। मंडे दोपहर 1 बजे जी मैम। अगर कल करण सब कुछ नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगा आपके लिए। कल सुबह कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा कि सब देखते रह जाएंगे। कैसे? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी तैयारी कर ली है, आप भी रेडी रहिएगा। तुम्हें पता है मैं कल बैंक नहीं आऊंगी। और तुम्हें पता है ना, कल मैं बैंक जरूर आऊंगा। ना गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है ना पुलिस। पहले विक्की, फिर जफर, फिर एरिका और अब जिमी। और कितनी बार हारोगे? जब हमें कमांडो बनने की ट्रेनिंग दी जाती है तो एक बात जरूर सिखाते हैं, जब तक जान है तब तक कोशिश मत छोड़ना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू कमांडो। से बोल रही, उसका पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो होएगा। इच कौन निकलेगा विकी का बैग लेकर? हेलो मिस्टर अय्यर। करण, यू आर राइट, वो बैग लॉकर से निकल चुका है, पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ब्लैक सूट और सिल्वर बैग, राइट? तो इसमें सरप्राइज क्या है?
फोन ऑन रखना अपना। Thank you.
ये रोकोगे नहीं? अरे रुको तो। सेलिब्रेट करने का मौका अब आया है। वैसे 3 लाख मरे हुए लोगों के अकाउंट में नहीं, सही जगह गया। तुम गेम इसीलिए जीत रही थी क्योंकि मैं तुम्हें जीतने दे रहा था, लेकिन सिर्फ सेमीफाइनल तक। फाइनल मैं जीता। तुम बैंकॉक नहीं पहुंचती तो हम यहां नहीं पहुंचते। बोर्ड पर अटैक हम ही ने करवाया था। और हाँ, आपस में झगड़ा करना भी उसी ड्रामे का हिस्सा था। बख्तावर एक्टिंग बहुत हो गई, चलो इसे अरेस्ट करो। बहुत रिस्पेक्ट थी विकी जी, ये तो आपका भी फादर निकले। तुम्हारा गेम आज नहीं, बहुत पहले अप हो चुका था। करणम काले पैसे को देश में वापस लाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, लेकिन एक दिक्कत आ रही है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी, मेरे बारे में बात कर रहे हो? करण, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगी, लेकिन खुल के तुम्हारा सपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो विकी चड्डा के चाहने वाले हैं वो कोई और कोशिश करेंगे। सो हम सबको मिलकर प्लान बनाना होगा। पॉलिटिक्स में कुछ चीजें की नहीं जा सकती करण, इनका बेटा इन्वॉल्व है। मुझे उसके करने का गम नहीं, लेकिन अगर उसका नाम आए तो सरकार के साथ। इस हार्ड डिस्क में भारत के किसानों की बैंक अकाउंट की डिटेल्स है। पैसा वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इन गरीब किसानों के अकाउंट्स में जाना चाहिए, क्योंकि आज इनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सारा पैसा 3 करोड़ हिंदुस्तानी किसानों के बैंकों में गया, जो तुम जैसे लोगों की वजह से मारे जाते हैं। साल से स्पेशल सेल और होम मिनिस्टर इसकी प्लानिंग कर रहे थे, रणवाल और कंपनी को कन्विंस करने के लिए कि होम मिनिस्टर इनके साथ है, ये सब ड्रामा करना पड़ा। करण का तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होना प्लान्ड था, बख्तावर का साइड बदलना भी प्लान्ड था, एरिका को मारना मजबूरी थी, कोलैटरल डैमेज। होम मिनिस्टर का ऑफर प्लान्ड था, यूनिवर्सिटी, टर्मिनल 21 मॉल, और यहां तक कि जिमी के वक्त तुम्हारा भाग पाना भी प्लान्ड था। और अगर प्लान फ्लॉप हो जाता तो बख्तावर तुमसे पैसे ले लेता, तुम्हारा जीतना नामुमकिन था। विकी, आर यू रेडी? तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। किसने काम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं? हम नई जनरेशन के ऑफिसर्स हैं, अपनी स्टाइल से इंसाफ करते हैं। और वैसे भी पुलिस वाले किसी का उदार नहीं रखते। जाफर का अकाउंट मैं सेटल कर देती। कंग्रेचुलेशंस करण, मिशन अकम्प्लिश्ड। थैंक यू सर। ब्रेक चाहिए या अगले मिशन के लिए रेडी हो? आप तो जानते हैं मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, और इस बार तो टीम भी सोच रखी है। ओके, सी यू देन। सी यू सर। टेरो टेरो, मैं किसी भी मिशन पे 2 डेज का बाद ही जाऊंगी, अभी थोड़ा घूम लेती हूँ।
क्योंकि एक बार तू स्टार्ट हुआ उसके बाद मेरे को चांसेज नहीं मिलेगा। और एक चीज, मैंने वार्निंग दिया था ना कि एक और बार कोई जकास जादू दिखाया तो मैं क्या करूंगी, तो विकी को ऐसा बेवकूफ बनाना तुम्हारा लास्ट मिस्टेक था। अब तुम्हारा दिमाग का सजा तुम्हारा होट भुक देंगे। कमांडो को जान तूने फेंका, ना चलेगा जादू ना चलेगा काला पैसा। डरता नहीं है यार तेरा प्यार से, कोशिश तो कर एक बार प्यार से। Come a little close. Oh, me, not pretty, and I think so. I'm going to go.